ये देखो शहर का नज़ारा एकदम बहुत याद आ रहा है दोस्तों, क्या बताएं, मेरे बेटी का याद आ रहा है, मेरे फैमिली का, मेम साहब का बहुत याद आ रहा है। तो जाएंगे 2 दिन के बाद जाएंगे, अगर देखते हैं इंटरव्यू वगैरह दे लेता हूँ उसके बाद जाएंगे ना। रात का खाना दोस्तों एकदम हॉस्टल में ऐसे मिलता है, देखो पूरा सब्जी वगैरह ना, क्या बताएं। तो मेरा सेकेंड दिन हॉस्टल से शुरू होता है दोस्तों, और यहाँ पर देखो अभी पूरा सो रहा है सभी लोग, मैं भी यहाँ पर सो रहा हूँ ना, अभी सो के उठा हूँ भाई एकदम पूरा, क्या ही बताएं, अच्छा ही लग रहा है। और लाइट भी यहाँ पर चल रहा है भाई, एकदम नींद भी बहुत चला ना, पूरा परिश्रम हो गया। अभी वॉशरूम आ गए हूँ वॉश करने के लिए, तो चलिए मुँह वगैरह धो लेते हैं। ये देखो नज़ारा, बाहर का नज़ारा एकदम, क्या बताएं, ऊपर जाके दिखाएंगे बाद में, वाह एकदम गजब ना। तो अभी ना मुंह बोलो कि टेरिस में थोड़ा सा आ गए हूँ, और फिलहाल यहाँ का नज़ारा देखो एकदम पूरा गजब ना, यह है गुवाहाटी सिटी। और फिलहाल धूप नहीं निकला है, देखो कल रात को पूरा बरस गया था, सुबह भी एकदम पूरा, तो इन लोगों का कपड़े देखो पूरा बिखर गया, एकदम पूरा उड़ गया ना पूरा। और यह माउंटेन, माउंटेन के पीछे है ब्रह्मपुत्र रिवर, यहीं बताएं भाई, एक दिन जाके जरूर घूमूंगा जब टाइम मिलेगा। तो नज़ारा कुछ ऐसा है इन लोगों का देखो। और फिलहाल ना कल कपड़े वगैरह नहीं लाया था, तो जो यहाँ पर कस्टमर हैंडलिंग करते हैं जो लोग, तो वो लोग अच्छी तरह से केयर किया था मुझे, और सोने के लिए बिस्तर भी दे दिया था। तो कल पैंट खरीदने के लिए बाज़ार में गया था, पैंट वगैरह भी नहीं लाया, मैं सोचा था कि एक दिन मैं आ जाऊँ, मैं मतलब ऑफिस में जाऊँगा और उसके बाद आ जाऊँगा ऐसा सोच रहा था, ऐसा नहीं हुआ, हॉस्टल में रहने पर ऐसे बोल रहा था, तो हॉस्टल में आज कल रह गया हूँ, और थोड़ा सा पैंट यहाँ पर खरीद लिया बाज़ार में जाकर कल। तो ये 100 रुपये का लिया, 130 बोल रहा था, एकदम बहुत ज़्यादा दाम हो गए ना, एकदम पतला हुआ एकदम, तो क्या ही भाई, यहाँ पर ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा दाम है कपड़े का, हर चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा है। ओके अभी सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, और आज आज से शुरू होते हैं हम लोग की ट्रेनिंग 9 बजे शुरू होते हैं। तो बेसिकली जहाँ पर मैं अभी आया हूँ, तो ये जर्मन जो फैशन है, तो इस कंपनी कपड़े का कंपनी है, तो वहाँ पर 4 डेज़ का ट्रेनिंग होगा, तो 4 डेज़ के लिए हॉस्टल में रहना पड़ेगा, तो इस वजह से हॉस्टल में रह रहा हूँ, और 9 बजे से शुरू होगा ट्रेनिंग। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा हम लोग कपड़े वगैरह चेंज करके ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकल जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। और नज़ारा पूरा गजब है भाई, क्या ही बताएं। और फिलहाल अभी ऑफिस जा रहा हूँ मतलब ट्रेनिंग के लिए, तो ड्रेस कोड वगैरह लगे, फॉर्मल ड्रेस वगैरह पहन के जा रहा हूँ दोस्तों सीनियर के साथ। यहाँ पर रास्ता एकदम पूरा, कहीं बताएं, पूरा कचरा वचरा ना, गली का रास्ता, और कल बारिश भी गिरा था साइड साइड में, देखो कीचड़ वगैरह बहुत। तो ये रहा ऊपर में ऑफिस, कोई साइन बोर्ड वगैरह भी नहीं है, ये ट्रेनिंग सेंटर है, तो इधर पे चलते हैं दोस्तों, अभी लोग भी ज़्यादा होंगे ऊपर में, चलिए हम लोग भी जाते हैं अभी। और हम लोग ऑफिस में आ गए हैं, और यहाँ पर सभी लोग हैं ट्रेनिंग के लिए एकदम पूरा, तो थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगा ट्रेनिंग। और इधर पे साइन बोर्ड वगैरह दिया के रखा है,
और इधर पे भी है सीनियर वगैरह, तो इन लोग बहुत ज़्यादा पुराना भी हो चुका है, तो इधर पे साइन बोर्ड देखते हैं क्या होता है। आज तो सेकंड डे है ना, तो आज मेरा ट्रेनिंग का, अभी पहुंच गया हूँ ऑफिस से हॉस्टल, और अभी खाना बना खाने के लिए थोड़ा सा बैठ गया हूँ। इधर पे है चावल और सब्जी, तो हॉस्टल खाना भाई ऐसा ही होता है, क्या करें भाई ना, तो घर का खाने के तरह तो नहीं होगा, तो थोड़ा सा मैनेज भी करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कल का वीडियो आज कंटिन्यू कर रहा हूँ, और मुँह वगैरह धोने के लिए ऊपर में आ गया हूँ ऊपर से ब्रश करने के लिए, और एकदम यहाँ करना चाहते हैं एकदम पूरा क्या बताएं पूरा फॉग एकदम ना, इधर देखो पूरा इधर भी सेम, मतलब क्या ही बताएं दोस्तों, दो तीन दिनों से अच्छी तरह से वीडियो वगैरह बना नहीं पा रहा हूँ, मैंने आगे भी बोल दिया था आपको, और क्या बताएं 4 दिन कम्प्लीट होने वाला है आज को लेके, तो कल मेरा इंटरव्यू वगैरह होगा, तो उसके बाद सिलेक्शन होगा या नहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, तो बिजी होने के कारण वीडियो वगैरह बना नहीं पा रहा हूँ मैं एकदम, क्या बताएं भाई, तो चुपके चुपके अभी वीडियो वगैरह बना रहा हूँ टेस्ट भी आके तो अलाउ नहीं है ना। ये देखो इधर पे कैमरा भी लगा है और उधर भी है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखना पड़ता है ना। तो फिलहाल क्या करें, वो वगैरह धोते हैं और अभी वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, अगर टाइम मिले तो कल इधर से वीडियो बनाऊँगा। इधर नजारा एकदम गजब ना, क्या ही बताएं। वैसे ना घर का बहुत याद आ रहा है दोस्तों, क्या बताएं, मेरे बेटी का याद आ रहा है, मेरे फैमिली का, मेम साहब का बहुत याद आ रहा है, तो जाएंगे 2 दिन के बाद जाएंगे, अगर देखते हैं इंटरव्यू वगैरह दे लेता हूँ उसके बाद जाएंगे ना, तो अभी थोड़ा सा मुँह वगैरह धो लेता हूँ, इसकी ऑलरेडी एक बार पाइप भी है तो पानी यार बार गिरता है, अभी मुँह वगैरह धो लेता हूँ ना दोस्तों, और वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आप लोग जरूर से मुझे सपोर्ट भी करता है ना, और ये बताएं हर दिन की तरह इधर पे वीडियो को एंड कर देते हैं भाई, तो अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे जरूर से लाइक एंड शेयर करना एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं कल और नए ब्लॉग में, बाय बाय टाटा।